हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। कहाँ हो भारत? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ भारत। भारत कहाँ हो? और यादिया बे सारी सारी रातिया हो यादिया बे सारी सारी रातिया तो हार हो बा शक्ति सिंह तू ओ हो राजकुमारी जी। हाँ, आपको देख करके आज मुझे एक बात याद आ गई हो छम्मक छल्लो। बात? कैसी बात? बताता हूँ क्यों इतना परेशान हूँ। मैं बता रहा हूँ, आंखों ने पैरों ने, ये तुम्हारी आंखों ने और मैं तुम्हारे पैरों के बारे में बता रहा हूं, पैरों ने कितने कदम चले, सुनो राजकुमारी जी। हाँ। पैरों ने कितने कदम चले पायल का इसको पता नहीं, पैरों ने कितने कदम चले पायल का इसको पता नहीं, और आंखों ने कितने कत्ल किए काजल का इसको पता नहीं। अरे इस सुनसान चमन में ये बुलबुल अकेली चहक रही है। आए? हाँ राजकुमारी जी, ध्यान देकर के आप मेरी बात को सुने। कहिए। और राज कुमारी आप पे और दिल मेरा है राजकुमारी जी। काफी दिन से इस दिन का इंतजार था कि अकेले में बात होगी, कभी अकेले में बात होगी, मुलाकात होगी, समय मिलेगा तो खुराफात होगी। आज वो दिन आ गया है मेरी रानी, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे सामने अपने हाथ फैलाए खड़ा है। आ जाओ मेरी जान। कमीने बेशरम दगाबाज मर्दान, अरे कमीने बेशरम दगाबाज मर्दान, और हट जा मेरे सामने, नहीं उठ जा
आज अगर तुम्हारी जगह इस प्रेमी की प्रेमिका के बदले अगर कोई होता तो ये गंगा का बेटा शक्ति, गंगा का बेटा शक्ति तेरी जिंदगी में ऐसी मुहर लगाता। ये शक्ति सिंह तेरी इस नौजवानी में ऐसी मुहर लगाता कि तू जिंदगी भर मेरा मोहरा बनकर के रहे। और हाँ, आज मैं तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा कि जहां कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं रहूंगा और तुम रहोगी। अगर तुम मेरी प्रेमिका नहीं होती तो आज मैं तुम्हारी इस नौजवानी में ऐसी मुहर लगाता कि तुम जिंदगी भर हमारा मोहरा बन करके रहे। कि अबे कमीने बेशरम तुझे न आई लाज, अबे कमीने बेशरम तुझे न आई लाज, अबे तू है तेरी सगल पे तेरी पद्मा को छोड़ दे सकती, वरना तेरे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि गिनते गिनते तेरे घर वालों की उम्र खत्म हो जाएगी। भारत, उस दिन इस लड़की को राज दरबार से लेकर के फुर हो गया था लेकिन आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और तू मुझे कुत्ता बोला, छोड़ मेरी बात, अरे छोकरे दूध मुहे, अबे मुंह संभाल कर। अरे छोकरे दूध मुहे, मुंह संभाल कर बोल, और वरना दुनिया से इस काम कर दूं पिस्तर। शक्ति, हाथ में बंदूक लेकर तू अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता है। अगर वाकई में तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो रख पिस्तौल और मुकाबला कर ले। हराम जादे, अगर मैंने तुझे तेरी पैदाइश याद नहीं दिलाई तो मेरा भी नाम भारत नहीं है। कसाई बकरे का खून तभी करता है, जब उसके हाथ में छुरा होता है। अगर आज पद्मा की जिंदगी चाहता है तो हथियार नीचे डाल दे वरना आज मैं ना जाने क्या करूं। ठीक है सकती, आज तेरी बारी है, लेकिन अगर किसी दिन गलती से तेरा छुरा मेरे हाथों में लग गया तो सबसे पहले मैं तेरे सर के बाल बनाऊंगा तेरे छुरे से। ए भारत, औकात में बात करो, औकात के बाहर अगर बात किया तो हमसे बुरा आदमी नहीं मिलेगा। चलो चलो, आज मैं तेरा खेल इसी जगह खत्म करता हूं, क्योंकि तू अगर जिंदा रहेगा तो ये मुझसे प्यार नहीं करेगी, और अगर ये मुझसे प्यार नहीं करेगी तो ये शक्ति रणुआ रह जाएगा, और मैं रणुआ नहीं रहना चाहता, इसलिए तुझे मार करके इस पद्मा के साथ में अपनी भावरे डालूंगा, उदयपुर का राजा बनूंगा और ये हमारी रानी बनेगी। हाथ में पिस्तौल लेकर तू मुझे मौत की धमकी देता है तो मैं भी कहता हूँ सीना तान कर मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो चला मुझ पर गोली। वतन के रखवाले, अब देखिए शक्ति सिंह तेरा क्या हाल करता है, और उसके बाद तेरे वतन पे और राज दरबार राजमहल में क्या अपना जलवा दिखाता है। राम जादे में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाथ जोड़ बिनते करो, आए भी रंग से
भैया बचाना चाहती हूँ, आखिर बात क्या है? बहन जी। हाँ भैया। तुम हमारी इकलौती बहन हो, इसलिए मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि इस लड़के ने क्या किया है। सुन। क्या किया? और इस भारत ने है किया गलत ही ऐसा काम। और इस भारत ने है किया गलत ही ऐसा काम, और इसीलिए पहनाई से भेज रहा सुरभा। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे माफ कर दो खता इनकी बिरल सारी आसारी है, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर बहन रत्ना। हाँ, जिस लड़के को तू आज अपने भाई के हाथों से बचा रही है, ये लड़का तेरा कौन है और रिश्ते में क्या लगता है? ये मेरा धर्म का भाई है, और इसके लिए मेरी जान चली जाए तो वो भी कम है। एक धर्म के भाई को बचाने के लिए आज एक सगी बहन सगे भाई का हाथ काट रही है। अरे मैं तेरा सगा भाई हूं, तेरे तूने मेरे हाथों में राखी का धागा बांधा है, और आज एक सगे भाई का प्यार भूल करके धर्म के भाई के लिए गोलियां खाने के लिए खड़ी है। हाँ भैया मुझे मार दो, शौक से मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे मार दो। हट जा बहना। नहीं भैया ऐसा मत करो। हट जा बहना। ऐसा मत करो भैया, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। मैं इस हराम जादे को ऐसा मत करो भैया, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया भारत तू पद्मा को लेकर भाग जा, मैं इस हराम खोर को देखती हूँ। जा भैया। अगर एक ही कदम तुम्हारे आगे बढ़े तो मैं गोली मार दूंगी, इस भाई और बहन का रिश्ता खत्म कर दूंगी। गोली नहीं मारना, अरे ये लोड है, मैं मर जाऊंगा। अरे बहन जी। हाँ भैया बोलो। मैं इसे मारता थोड़ी। फिर क्या कर रहे थे? जब तुम्हारा धर्म का भाई हुआ आए तो हमारा भी तो धर्म का भाई है। अरे मैं तुझे अजमा रहा था कि देखो हमारी बहना के दिल में उसके लिए कितनी जगह है कितनी नहीं है। अरे तो भैया ये बात पहले आप बता देते ना। अरे मैं तुझे गोली मारता, अरे जरा देख तूने मेरे हाथों में राखी का धागा बांधा है। हाँ भैया। तू मेरी एक तीन अन्नी मुन्नी सी बहन है, ये देख। क्यों नहीं भैया, देख मैं तुम्हारी बहन हूँ। हाँ, और मैं तुझे मत कर। कोई मेरा सगा नहीं। कोई मेरा सगा नहीं जिसको ये शक्ति ठगा नहीं। हमारी ही बिल्ली और आज हम इसे ही म्याऊं कर रही है। रत्ना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया ऐसा मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। भाड़ में जाए भाई बहन का रिश्ता,
और भार में जाए तेरी राखी का धागा। अगर एक बहन एक भाई को नहीं हुई तो ये भाई भी बहन को नहीं होगा। ऐसा मत करो। मैं चलो अभी बस 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 बाजी सरा हाथ वही ले रो। बस 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 बाजी सरा हाथ वही ले रो, वरना सीने पर तेरे गोली दूंगा तो। बोल कमबख्त, क्या बिगाड़ रखा है? तू इसका भाई है या भाई है या कसाई है रे? अपनी बहन को दुनिया से मिटा रहा। सरदार जी, ये समय से स्कूल नहीं जा रही थी। अच्छा। इसीलिए मैं इसको डांट रहा था या गोली मार रहा था। डरवा रहा था जी। आंखों में धूल डाकुआ जात के झोंक रहा। कमीने, ये हमारी धर्म की बेटी है रे, धर्म की बेटी। और हमारी धर्म की बेटी के ऊपर जो साला नजर डालेगा, जमीन में साले को जिंदा दफन कर दूंगा। और तेरी औकात, तेरी हिम्मत कि हमारी धर्म की बेटी को मिटाने की जरूरत क्या? अब मैं तुझे दुनिया से मिटाऊंगा, मैं तुझे मिटाऊंगा कमीने। बचा लिया मेरी बहन जी ने। बहन जी नमस्ते। इतने जूते मारूंगा भी तुमको साले, चेहरा पहचान नहीं मिलेगा। हरामखोर, सुअर के बच्चे, नजर डाल, ये तेरी बहन है रे। तेरी जान के लिए दामन फैलाकर हाथ जोड़कर डाकू आजाद से कह रही है कि धर्म के पिता छोड़ दो इन्हें, ये हमारा भाई है। बहन के दिल में इतना बड़ा दर्द और भाई के दिल के अंदर रहम नहीं। भाग जा कुत्ते, भाग जा वरना गोली मार दूंगा। बेटी फिकर मत कर, इस बात को लेकर सीधे अपनी हवेली जा, अपने पिता गंगा सिंह से जाकर कह देना इसकी सारी काली करतूत। अपने पिता से बताना तेरा बाप गंगा इसे हिदायत दे देगा। फिकर मत कर बेटी, जा जा बेटी जा। साथियों, ऐसे मौके पर काश आज ना आ जाते तो ये कमीना हमारी धर्म की बेटी को दुनिया से मिटा देता। साथियों, बेटी रत्ना से तो मुलाकात हो गई लेकिन बेटे भारत से नहीं हुई। और भारत ने ये बतलाया है कि आरावली पहाड़ी पर हम माँ बेटे दोनों रहते हैं, इसलिए चलो आज आरावली पहाड़ी पर चलकर धर्म के बेटे भारत से मिलते हैं। आओ मेरे साथ। एक बात याद रखना है आप लोग, एक बात याद रखना है आप लोग, गंगा में कगार गिर जाने से, गंगा में कगार गिर जाने से गंगा का पानी कभी गंदा नहीं होता। हमारी बहन के ये नए नए धर्म के भाई और नए नए धर्म के पिता कहाँ से पैदा हो गए? और यही आजाद सिंह हराम जादा उस दिन मुझसे झूठ बोला। अरे इसे आजाद सिंह की बात है यार, बात है यार। इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बहन को ले जा रहा हूं, इसके बच्चा पैदा करूंगा और ये साला आज धर्म की बेटी बना लिया। अरे आजाद, तू हमें नहीं जानता, तू हमें नहीं जानता। अरे मैं ऐसा बारूद हूं,
मैं वो बारूद हूँ कि जहाँ फट जाता हूँ तू क्या वहाँ की धरती फट जाती है। मैं तुझे और भारत को दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। बिहारी लाल आदेश करके आज तुम्हें एक खत लिखना है, यानी चिट्ठी लिखना है, और लिखने से पहले एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना है कि जो खत लिखा जाएगा उस खत में राइटिंग हमारी बहन रत्ना की होनी चाहिए। जो भी ये पढ़े और वो यही समझे कि इस खत को रत्ना ने अपने हाथों से लिखा है, यानी जो पत्र हम अपने हाथ से लिखेंगे उसी की हैंडराइटिंग वो तुम्हारी बहन रत्ना के हैंडराइटिंग में हो। हाँ, तैयार हो गया? हाँ बोलिए। लिखिए, पूज्य पिताजी नमस्ते। पूज्य पिताजी नमस्ते। आपने जिस भारत को हमारा धर्म का भाई बनाया था अपना धर्म का बेटा बनाया था उसी भारत ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश किया। ये तो अच्छा हुआ कि हम किसी ना किसी तरह से उसके चंगुल से बच निकली। किसी ना किसी तरह उसके चंगुल से बच निकली। आप उसे सजाए मौत की दीजिए। सजाए मौत की दीजिए। आपकी धर्म की बेटी रत्ना। रत्ना जाओ, इस खत को ले जाओ और इस खत को डाकू आजाद सिंह के तुम्हें हाथों में देना है। क्या क्या क्या? डाकू आजाद सिंह के हाथों में देकर के आना है। अब आएगा मजा। अब छिड़ेगा महाभारत। इस खत को जब आजाद सिंह पढ़ेगा तो आएगा और भारत को जान से मार डालेगा, और जब भारत मर जाएगा तो फिर राजकुमारी पद्मा के साथ हमारी शादी होगी। वो हमारी रानी बनेगी और मैं उसका राजा बनूंगा। साथियों, आरावली पहाड़ी तो यही है, लेकिन जैसा कि भारत ने बतलाया है कि वो झोपड़ी बना कर रह रहे हैं माँ बेटे, वो झोपड़ी कहीं नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़कर और देखते हैं। ये आपके नाम की चिट्ठी आई है। चिट्ठी? जी सर। जा सकते हो। पूज्य धर्म पिता, सादर नमस्कार। मैं आपकी धर्म की बेटी रत्ना, आपने जिसे धर्म का भाई बनाया था, आज वही हमारा धर्म का भाई भारत हमारी इज्जत लूटने की कोशिश किया। ये तो अच्छा हुआ, किसी तौर अपनी अस्मत बचाकर भारत के हाथों से मैं निकल चुकी हूँ। आपकी धर्म की बेटी रत्ना। साथियों, ये कमीना इतना गिर गया, इसे भाई बहन का ख्याल ना रहा, जबकि दोनों को समझा दिए थे, दोनों को बता दिए थे कि धर्म की बहन धर्म का भाई, इनका स्थान सगे से भी ज्यादा होता है। और आज यही भारत बेटी रत्ना की इज्जत लूटने की कोशिश किया। उस पहाड़ी को चप्पा चप्पा ढूंढो, कहां है वो झोपड़ी, पूरी पहाड़ी पर फैल जाओ। आओ मेरे साथ। या भगवान,
आज कई हफ्ते का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक दोबारा मेरे धर्म पिताजी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज मैं जा रहा हूँ अपने धर्म पिताजी के पास उनसे मिलने, और उनसे पूछूंगा कि पिताजी क्या बात है, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। लेकिन जब भी मैं अपने धर्म पिताजी को देखता हूँ, ऐसा लगता है कि इनके साथ मेरा कोई गहरा रिश्ता है, ये मेरे कोई अपने हैं। अभी और इसी वक्त मुझे जाना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। आप आ गए, अरे मैं आप ही के पास आने वाला था। खबरदार, अपनी जुबान से जो मुझे धर्म पिता कहा, मर गया तेरी नजरों में तेरा धर्म का पिता, और ना रहा आज के बाद धर्म का बेटा। बोल रत्ना तेरी कौन है, रत्ना तेरी कौन है? पिताजी, आप पूछ रहे हैं कि रत्ना मेरी कौन है? पिताजी, अरे रत्ना मेरी बहन है पिताजी। बहन? पिताजी, तेरी ये गंदी जुबान कट कर क्यों नहीं गिर गई रे, जिस जुबान से बहन का शब्द और उसी के साथ हैवानियत का गंदा नाटक खेलने की जरूरत किया कमीने, कि धर्म का था बेटा बनाया तुझे, ये ना समझा कि आस्तीन का सांप है। बेटी रत्ना की इज्जत पर हमला किया, छोड़ना तुझको पाजी महापाप है। बेटी रत्ना की इज्जत पर हमला किया, छोड़ना तुझको पाजी महापाप है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी, आपको कौन सी गलत फहमी हो गई पिताजी? फहमी हुई है? अरे कोई भी भाई अपनी बहन के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? सबको समझ चुका हूं, बेटी रत्ना के हाथों की हैंड राइटिंग को पहचान चुका हूं। हरिया पिताजी, पकड़ बंदूक तो बताए खराम। मेरी बात सुनिए पिताजी, कि पाप मैंने न कोई बहन संग किया, पाप मैंने न कोई बहन संग किया, सगी बहना से बढ़कर मैं मानू उसे। ना करूं जान ले लो मेरी उपजरा ना करूं, धर्म का बाप अपना मैं मानूं। तो क्या Thank you.
साथियों, हमारी मार में ये दम तोड़ देगा, जिंदा भी रहेगा। आज के बाद इसे सबक सब सीख जाएगा। चलो साथियों, पड़ा रहने दो, आ मेरे साथ। क्या हुआ मेरे लाल? आज तक तेरे ऊपर एक करांस तक भी नहीं आई। ये तेरी हालत किसने की मेरे लाल? माँ, तुम्हें जानना चाहती हो कि मेरी ये हालत किसने की है। सुनो बाप, मेरे लाल, कि धार्मिक का बाप था मेरा आजाद सिंह, बस उसी ने किया मुझ पे हाये सितम, और धर्म का मानता था पिसर वो मुझे, आज खाया है दिल में न उसने रहा। उसने मुझे बहुत मारा माँ, मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया माँ। मत रो मेरे लाल, जिस तरह आजाद सिंह ने तुझे इतना दुख दिया, इतना मारा, मैं कसम खाती हूँ जब तक आजाद के जिस्म से एक एक बूंद लहू ना बहा दूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँ। तू चल मेरे साथ मेरे लाल, आजाद सिंह का तो वह हाल करूँगी कि अपने आप पे वो पछताएगा। हाँ मेरे लाल,